दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में रहने के बाद वह जब बाहर आए तो अब अलग अलग विधानसभा में उनकी पद यात्राएं और कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा में भी आज देर शाम एक पद यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने CBI पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि CBI भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की जमानत न हो इस तरीके की साजिश रची जाती है। परिवार का अपनापन बहुत दिखाई दे रहा। मैं जब यहाँ आया तो लोग गले मिल रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने आपके लिए प्रार्थना की थी, जो आपकी पोर्ट्रेट होती थी तो हम प्रार्थना करते थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा था, ये हम पहले से जान रहे थे, और अब देखो केजरीवाल जी के साथ भी गलत हो रहा है, वो बाहर आएंगे और हमारे सब काम जो रुके हुए वो करेंगे। CBI भारतीय जनता पार्टी की आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम कर रही है। जब केजरीवाल जी बाहर आने वाले थे, पहले बीजेपी ने ईडी का झूठा केस लगाया। जब ईडी के झूठे केस से केजरीवाल जी बाहर आने वाले थे, तुरंत CBI ने अरेस्ट किया बीजेपी के कहने पे कि बाहर ना पाए। और अब जब वहां से बेल की स्थिति पहुंच गई है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके भारतीय जनता पार्टी की CBI ये कहती है कि साहब हमारा जवाब तैयार नहीं है, और वही जवाब सेम दे मीडिया को दे दिया जाता है कि जो मीडिया के लिए जवाब है कोर्ट में देने के लिए जवाब नहीं है। तो ये तो भाजपा की तरह से पॉलिटिक्स कर रही है। CBI ईडी भी पॉलिटिक्स करती है, CBI भी पॉलिटिक्स करती है, यही दुर्भाग्य है। अरे सब यही कह रहे हैं कि गलत हुआ। ये देखिए सेल्फी की ओर महिलाएं बच्चे जब कर अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, उनको जल्दी निकालिए। तो ये जो प्यार है अरविंद केजरीवाल के प्रति आम आदमी पार्टी के प्रति, यही दिल्ली में खास बनाता है। मनीष जी बाहर आए, केजरीवाल जी का इंतजार लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आए केजरीवाल भी आएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।